जेसीबी। एक गांव में पप्पू नाम का एक मोटा व्यक्ति रहता था। उसके पिताजी का नाम था दयानंद, उसकी बहन थी चांदनी। चांदनी की शादी की उम्र हो चली थी। दयानंद के पास एक जेसीबी था। उस जेसीबी से पत्थर हटाना, मिट्टी खोदना, ऐसे बहुत सारे काम करके कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेकर घर चलाता रहता था। पप्पू कोई भी काम नहीं करता, पर डटकर खाता था, दिन रात सोता भी रहता था, ऊपर से दिन में नींद में भी खाने के ही सपने देखता रहता था और उसके लिए बेचैन रहता था। एक दिन में सोते हुए पप्पू नींद में, दो चाहिए, एक बस नहीं होगा, भैया पैसे हैं, पहले दो तो सही, बोला तो है, समझ में नहीं आता, पहले दो देना, कह तो रहा हूँ कि एक काफी नहीं है। ये देख कर ये नींद में भी बेचैन रहता है, ये क्या दो दो की रथ लगा रखी है। उसे सपने में भी चिकन और मटन के अलावा और कुछ नहीं आता है। ठहरो, अभी पता चलेगा कि उसने सपने में क्या देखा है, कहकर उसके मुंह में पानी फेंका। पप्पू हड़बड़ा कर उठा, तुम ये दो दो क्या कह रहे थे, क्या है वो? वो सपना देखा कि मैं होटल में जा रहा हूँ, वो मुझे एक चिकन बिरयानी दे रहा था, मैंने उसे दो मांगा, पर बहुत मिन्नतें करने पर भी वो दो नहीं दे रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। पर ये क्या माँ, तुम तो बनाकर देती नहीं, सपने में भी खाने नहीं देती, हट, कहकर फिर सो गया। एक दिन दयानंद, बेटा पप्पू मेरी उम्र हो गई है, अब मैं रिटायरमेंट लेता हूँ, अपने जेसीबी को तुम ही को चलाकर परिवार की देखभाल करना होगा, कॉन्ट्रैक्टर को बड़ी मुश्किल से मनाया है, चांदनी की शादी की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी है, अब तुम मना मत करना बेटे। पप्पू ने मन मार कर सहमति दे दी। पप्पू अगले दिन जेसीबी लेकर कॉन्ट्रैक्टर के पास गया। अरे आओ भाई आओ पप्पू, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी खूब तारीफ कर रहे थे, जाओ उन पत्थरों को हटाकर उस एरिया को साफ करो। पप्पू जेसीबी से उस एरिया को साफ करने लगा। दोपहर हुई तो बहुत भूख लगी, तो वो जो घर से खाना लाया था उसे खाया। पप्पू अपने आप से, खाने के बाद मुझे नींद आती है, अब काम के समय सोना तो गलत है, पर यदि मैं दो घंटे नहीं सोया तो मेरी बॉडी सेट नहीं होगी, कोई उपाय सोचना होगा। अरे हाँ आइडिया। जेसीबी बकेट को बहुत ऊपर उठाया, फिर उस पर चढ़कर इधर उधर देखा और उसमें लेटकर सो गया। शाम को कॉन्ट्रैक्टर के पास आया। क्यों भाई पप्पू, दोपहर से दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए? मैं तुम्हारे नींद के बारे में सब जानता हूँ, ऐसे हरकतें करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, याद रखना। अरे ऐसे बात नहीं है सर, मैं सोया नहीं, मुझे नींद आने लगी तो मैं चाय पीने चला गया था, बस शायद आपने उस समय देखा होगा, मेरा विश्वास करें। एक दिन पप्पू यूं ही जेसीबी पर सो रहा था, वहां नीचे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ऐसे बात कर रहा था। क्यों भाई कॉन्ट्रैक्टर, तुमने लाइसेंस कुछ और के लिए लिया और काम कुछ और कर रहे हो, तुम सोचते हो कि ये बात मैं नहीं जानता, चुपचाप मेरा हिस्सा दोगे तो बात को यहीं पर रफा दफा कर दूंगा। तभी पप्पू सपना देख रहा था कि वो होटल में चिकन बिरयानी खा रहा है और किसी के साथ बहस कर रहा है, वो नींद में। मैं भी तुम्हारे बारे में जानता हूँ। क्या मैं नहीं जानता कि तुम कितना खाते हो? सिर्फ तुम खाओगे, हम नहीं खा सकते? तुमने क्या खाया, कितना खाया, मैंने सब फोन में रिकॉर्ड किया है, देखोगे? ये बात सुनकर ऐसा ही काम गया। कॉन्ट्रैक्टर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उस वीडियो को मीडिया में मत देना, अब मैं जिंदगी में कभी तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, कहकर वहाँ से डरकर भाग गया। बाद में कॉन्ट्रैक्टर, शाबाश पप्पू, तुम्हारे नींद में बड़बड़ाने की वजह से आज मैं बच गया, अब से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम पेट भर के खाओ और जेसीबी में सो जाओ, हर महीने तुम्हें तनख्वाह पक्का मिलेगा। ये बात सुनकर पप्पू बहुत खुश हुआ। एक दिन पप्पू ने डटकर खाया और जेसीबी में लेटकर सो गया। रात हो गई पर वो सो रहा था। तभी वहां एक चोरों का गिरोह सोने के साथ आई।
अरे यार, बड़े मेहनत से चोरी की है। पुलिस हमारे तलाश में घूम रहे हैं। पकड़े गए तो मरेंगे। कुछ दिनों के लिए इसे कहीं पर छुपाना होगा। जेसीबी में सो रहे पप्पू को सपना आया कि किसी ने उसके बिरयानी को छिपाया है। ए, तुम कहीं भी छुपाओ, पर वो सब मेरा ही है, चुपचाप मुझे दे दो। ये बात सुनकर चोर घबरा गए। पप्पू बिरयानी को याद करते हुए, क्यों रे, तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्या मैं नहीं जानता कि तुम इसे कहां से लाए हो? कहीं भी छिपा दो, मैं सूंघ कर ढूंढ लूंगा। मेरा हिस्सा मुझे देकर जाओ, 50-50। तुम लोग आधा लो और मेरा आधा मुझे देकर जाओ। बाप रे, ये कौन है दिख नहीं रहा है, पर हमारे बारे में इसे पूरी जानकारी है। चोरी के माल में इसे आधा हिस्सा नहीं दिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है भाई, आपका हिस्सा यहीं रखकर जा रहे हैं। कहकर उसे रखकर वहां से भाग निकले। सवेरा होते ही पप्पू जेसीबी से उतरा। वहां उसे सोने के संदूक दिखाई दिए। उसे देख, भगवान, तुम्हें मुझ पर दया आ ही गई। मैं इस चिंता में था कि बहन की शादी कैसे करूं। थैंक यू गॉड, कहकर वो सोने के संदूक लेकर चला गया। बाद में चांदनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। वो देखकर सब खुश हुए। तो कभी कभी किसी की कमजोरी उसका बल भी बन सकता है। कैसी लगी ये कहानी? मछली वाला मोटू। समंदर के किनारे एक मछुआरों की बस्ती थी। वहां आलोक नाम का एक बूढ़ा मछुआरा अपने पत्नी अंजलि के साथ रहता था। उनके बेटे का नाम था सागर। वो बहुत मोटा था, इसलिए उसे लोग मोटू मोटू कह के बुलाते थे। पिताजी बूढ़े हो गए थे तो सागर मछली पकड़ने जाने लगा। वो बहुत आलसी था। एक दिन सो रहे सागर से, बेटा जल्दी उठकर मछली पकड़ने जाओ, दिन चढ़ने के बाद जाओगे तो मछली कहाँ से मिलेंगी? अरे बापू, कब जाऊँ इससे क्या, जल्दी जाने से ज्यादा मछली मिलेंगी क्या? थोड़ी देर सोकर जाता हूँ, तुम जाओ, कहकर करवट बदल कर सोने लगा। वो मछलियाँ पकड़ने के लिए ना जाकर पेड़ के नीचे सो जाता था। शाम को एक दो मछली पकड़ कर घर लौटता था। उन मछलियों को पका कर खाते थे, पर ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन एक लड़का एक बक्सा लेकर उनके घर पर आया। कौन हो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम छोटू है, मेरे पिताजी के लिए आया हूँ, उनका नाम सागर है। ए, तू है कौन, मुझे पिताजी कहता है? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। सब मैं नहीं जानता, माँ ने मुझे भेजा है, इतने दिन हमें छोड़कर क्यों गए? बकवास करोगे तो मार खाओगे, जाओ यहाँ से। तब छोटू रोने लगा। ना छोटा लड़का एड्रेस ढूंढ कर आया है, तो उसे क्यों डांट रहे हो? मुझे तो पहले से ही शक था, चुपचाप जाकर बहू को ले आओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। ना बेटा, चिंता ना करो, हम है ना। अरे सागर, बच्चे को अंदर ले जाओ, उसे नहलाओ। सागर कुछ समझ नहीं पाया और उसे ले जाकर नहलाया। अगले दिन मछली पकड़ने जा रहे सागर से, मछली पकड़ना मुझे अच्छा लगता है बापू, मैं भी आता हूँ। दोबारा बापू बुलाया तो मार खाएगा, जाओ यहाँ से। अरे वो आना चाहते हैं तो उसे ले जाओ ना। यूं दोनों मछली पकड़ने चले गए। झील के पास जाकर, ए मैं वहाँ जाकर सो जाऊंगा, तुम चाहो तो मछली पकड़ो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। यूं कहकर वो एक पेड़ के नीचे सो गया। ओम भीम मत्स्य स्वागताय वायमी, कहकर मंत्र पढ़कर हाथ घुमाया। बस पानी में से मछलियां उछलकर टोकरी में जा गिरी। टोकरी मछलियों से भर गई। बाद में नींद से उठकर सागर मछलियों को देखकर हैरान हुआ। देखा पापू, कितनी मछली पकड़ी है, चलो इन्हें बेचकर घर जाते हैं। यूं छोटू और सागर थोड़े मछलियों को गले में लटकाकर बाकी सारा टोकरी में लेकर चल पड़े। घर पर पैसे लेकर अंजलि के आने से हमारे भाग्य खुल गए हैं, बहुत दिनों बाद इतने सारी मछली पकड़े हैं। दादी इसे पकाओगी? अंजलि खुशी से उसको उठाकर चूमने लगी।
यूं हर रोज सागर का सोना, छोटू का मंत्र पढ़ना, अब मछलियों को टोकरी में भरना, ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन सागर, ये हर रोज इतने सारे मछली पकड़ कैसे लेता है? ये करता क्या है? ये देखना पड़ेगा। यूं सोचकर फिर सोने का नाटक करते हुए छोटू पर नजर रखने लगा। छोटू को मंत्र पढ़कर मछली पकड़ते हुए देखा। ये देखकर वो दंग रह गया। तुरंत उसके पास जाकर, बेटा तुम हो कौन? जादूगर हो क्या? मुझे कुछ ना करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। क्या पापू तुम भी? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मेरे नाना जी ने मंत्र मुझे सिखाया। चाहो तो ये मंत्र तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। कहकर सागर को उसने वो मंत्र सिखाया। फिर सागर भी, ओम भीम मत्स्य स्वागताय आवाहयामि कहकर मंत्र पढ़ा। तुरंत मछलियां उछलकर टोकरी में जा गिरे। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। एक दिन एक स्त्री एक व्यक्ति के साथ सागर के घर आई। उसे देखते ही छोटू कहते हुए दौड़ता हुआ गया और उससे लिपट गया। सागर और उसके परिवार वाले ये सब देखकर हैरान हो गए। सागर क्षमा करना, ये मेरा बेटा है, मेरा नाम भी सागर है, मैंने इससे छिपकर शादी की थी। घर वालों को मनाने में काफी समय लग गया। उसके बाद विदेश में नौकरी लगने के कारण हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे तुरंत वहाँ जाना पड़ा। मेरे वजह से मेरे परिवार ने काफी तकलीफ उठाया है। छोटू जिस दिन गया उसी दिन ही ऐसे ढूंढते हुए आए। तब से हम दोनों छोटू को ढूंढ रहे थे। आप दोनों का घर का पता राम मंदिर दूसरी गली ही है, पर गांव अलग अलग है। पता गलत होने के कारण ये यहाँ आ गया। आपको बहुत परेशान किया, हमें क्षमा करें। कहकर प्रणाम किया। यूं वे छोटू को लेकर वहां से चले गए। छोटू के सिखाए हुए मंत्र से मछली पकड़कर सागर खुशी खुशी रहने लगा।